ओमकारी महाराज जी। ओमकारी। एक सवाल है महाराज जी, जो ज्यादातर शिष्यों और भक्तों के मन में हमेशा आता ही होगा, जिसके चलते एक द्विधा मनस्थिति का निर्माण होता है, जैसे कि हमें या पूरी तरीके से शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए, क्योंकि मांसाहार करने वाले लोग मांसाहार के भी कई बार फायदे बताते जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस विषय पर आप विस्तार पूर्वक हमें मार्गदर्शन करें। जी महाराज जी, अगर आपको सुखी रहना है तो आपको दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था के अंतर्गत जो हम कर रहे हैं वो बुमरैंग होकर अपने पर वापस आ जाता है। अगर आप दूसरों को दुख दे रहे हैं तो आप पर उससे सब गुना दुख जरूर आएगा, भोगना पड़ेगा। अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं तो हमें पुण्य के रूप में सुख प्राप्त होगा, कुकर्म कर रहे हैं तो दुख प्राप्त होगा, क्योंकि जो दे रहे हैं वही वापस आएगा, जो बो रहे हैं उसी की फसल निकलेगी। अगर हम पशु पक्षियों को काट पीटते हैं, खाते हैं, तो वो जो बिना वेदना के मिलता है क्या मांस, वेदना से ही मिलेगा। और जिसकी थाली में चीख पुकार भरा खाना है उसके जीवन में भी भयंकर चीख पुकार उत्पन्न होगी, जरूर होगी। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्म सभी प्रकार के जो हमने किए हैं, अच्छे अथवा बुरे। इससे बुरा क्या कर्म हो सकता है कि हत्या करके खा लो उसको, इससे बुरा राक्षसी काम होता क्या है? अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए, अपने चोचलों के लिए व्यक्ति उन तड़पते हुए जीवों पर करुणा नहीं करता, दया नहीं करता, उनको खा लेता है, इससे निर्दयता और क्या है? अपने बच्चे को कोई हमारे सामने काट पीट के खा ले तो, मुर्गी के सामने, वो बकरी के सामने उसके बच्चों को काट पीट के खाया जाता है, हमारे हाथ को काट के कोई खाए तो कितनी तकलीफ होगी, एक सुई लगती है हमको तो हमको कितना पीड़ा होती है। वो प्राणी जब उसको हलाल किया जाता है तो कितना तड़पता है। इसमें भी नॉनवेज खाने वालों में दो प्रकार है, एक झटके का खा रहे हैं, एक हलाल का खा रहे हैं। हलाल माने आधा ही रेत ना, तड़पते हुए छोड़ देना उसको, आधा ही रेत दिया, गर्दन को पूरा काटा ही नहीं, आधा रेत दिया, तड़प रहा है पशु, फड़फड़ करते रहता। तो जो झटके से मार रहे हैं गर्दन एक झटके में अलग, वो भी प्राणी तड़प रहा है, लेकिन झटके के जरिए मरा हुआ प्राणी कम तड़प रहा है और उससे कई गुना ज्यादा वो हलाल का प्राणी तड़प रहा है। पाप तो दोनों तरफ है ही भैया, पाप तो है ही, लेकिन लोग बोलते हैं झटके में मारने से कम पाप लगेगा क्योंकि वो कम तड़पेगा, लेकिन तड़पेगा तो जरूर भैया, झटके का खाओ कि हलाल का खाओ पाप तो लग ही रहा है, भुगतना पड़ेगा, जाओगे कहां? अगर जवानी के जोश में बोल रहे हैं कि देख लेंगे जो होगा वो बुढ़ापे में सहन नहीं होती वो पीड़ाएं। स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, फलाना है, ढिकलाना है, ये है वो है, अगर कुछ अच्छा है भी, हम तो वैज्ञानिक पद्धति से वो सिद्ध हो चुका है कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बुरा है। अगर कोई बोलता है अच्छा है तो भी इतने से फायदे के लिए इतने दुख कौन लेवे, अज्ञानी लोग ही लेवे। मनुष्य का आहार ही नहीं है मांस खाना, मनुष्य का आहार ही नहीं है। मांसाहारी और शुद्ध शाकाहारी प्राणियों की शरीर की जो रचना होती है, मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों की शरीर की रचना वो प्रकृति के द्वारा एकदम अलग अलग है। मांस खाने वाले प्राणी शाक नहीं खाते, भाजीपाला फल फूल नहीं खाते, और शाकाहारी प्राणी मांस नहीं खाते। गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सारे प्राणी जो शाकाहारी है वो जीवन में कभी मांस नहीं खाते। और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, बाघ, सिंह, चीता, ये कभी शाक नहीं खाते, ये कभी फल फूल नहीं खाएंगे,
बिल्ली के सामने आप सेब रख दो खाएगी थोड़ी वो, बंदर के सामने अंडा रख दो वो नहीं खाएगा, हाथी घोड़ा भी अंडा नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा। मनुष्य खुद को सर्वभक्षी बोलता है, सब कुछ खाने वाला बोलता है, प्रकृति चक्र में सबसे ऊपर अपने आप को मानता है और प्रकृति पे सबसे अत्याचार ज्यादा ही मनुष्य ही करता है और भुगतता है। मांसाहारी प्राणियों की शरीर की रचना से मनुष्य का शरीर बिल्कुल नहीं मिलता, शुद्ध शाकाहारी प्राणियों के शरीर से ही मनुष्य का शरीर मिलता है। शाकाहारी प्राणियों का मुख से लेके गुदद्वार तक के 21 फीट होती है अतड़ी, और मांसाहारी प्राणियों की 7 फीट ही होती है। उससे मांस जल्दी फिसल जाता है, उसमें इतना एसिड होता है कि वो मांस को पचा सकते हैं ढंग से, और वो घास खाते ही नहीं, उनका शरीर बना ही नहीं उसके लिए, फल फूल खाने के लिए, अन्न खाने के लिए। और शाकाहारी प्राणियों की आंतड़ी 21 फीट को होती है, मनुष्य की भी 21 फीट है आंतड़ी, उसमें मांस फंस जाता है, सड़ता है, नानाविध रोग उत्पन्न करता है। मांसाहारी प्राणियों को पसीना नहीं आता, शाकाहारी प्राणियों को सबको पसीना आता है, मनुष्यों को भी पसीना आता है शाकाहारी प्राणियों जैसे। मांसाहारी प्राणियों के दांत एकदम ऐसे तीक्ष्ण होते हैं, शाकाहारी प्राणियों के दांत तीक्ष्ण नहीं होते। शाकाहारी प्राणियों के गाल होते हैं, गाल, मांसाहारी प्राणियों के गाल नहीं होते हैं, मुंह फटा हुआ होता है, जबड़ा एकदम बड़ा खुलता है। मांसाहारी प्राणियों का बड़ा जबड़ा जबड़ा नहीं खुलता। शाकाहारी प्राणियों को गाल होते हैं, उनका जबड़ा बड़ा खुलता नहीं। मांसाहारी प्राणियों का उनको गाल नहीं होते तो बड़ा खुलता है, वो चबाते नहीं है पदार्थों को, वो मांस को चबाते नहीं है, टुकड़े तोड़ तोड़ के निकलते हैं, तोड़ तोड़ के निकलते हैं, चबाना उनके काम नहीं है। सारे शाकाहारी प्राणी चबाते हैं, मां मनुष्य भी चबाता है क्योंकि मनुष्य को गाल, मनुष्य के दांत तीक्ष्ण नहीं है जिससे वो सीधे मांस को तोड़ नहीं सकता। किसी भी प्राणी को मनुष्य सीधे नहीं खा सकता, उसके दांत ही टूट जाएंगे अगर वो कोशिश करेगा। बिना शस्त्र के मनुष्य शिकार भी नहीं कर सकता, मांसाहारी प्राणियों को शिकार करने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, उनको नाखून बड़े तेज है, वो नाखून से ही शिकार कर लेंगे, खा पी के चट कर लेंगे। मनुष्य को चूरा चाहिए, चक्कू चाहिए काट पीट करने के लिए, मनुष्य के नाखून मुलायम है, कोमल है, तो फाड़ नहीं सकते किसी चीज को, नाखून उखड़ जाएंगे फाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे लक्षण मनुष्यों में जो है शाकाहारी प्राणियों के हैं। शाकाहारी प्राणियों को अंधेरे घुप अंधेरे में नहीं दिखता, मनुष्य को भी नहीं दिखता। मांसाहारी प्राणियों को सबको दिखता है घुप अंधेरे में। मांसाहारी प्राणी पैदा होते बराबर अपने बच्चे को खा सकते हैं, बिल्ली शेर चीता कुत्ते कुतियाएं ये पैदा होते बराबर अपने कमजोर बच्चों को खा सकते हैं। जो बच्चे उनके कमजोर होते उनको ही चखर जाते हो। मनुष्यों का बच्चा कितने शाकाहारी पशुओं का बच्चा खाया नहीं जाता, शाकाहारी पशुओं के बच्चे खाते नहीं अपने आप को, शाकाहारी पशु अपने बच्चों को नहीं खाते, मनुष्य भी अपने बच्चों को नहीं खाता, लेकिन सारे मांसाहारी जीव अपने बच्चों को खा सकते हैं, सारे के सारे मांसाहारी जीव अपने बच्चों को खाते ही है। जो कमजोर बच्चा है उसको चट कर जाएगी ये मांसाहारी मादाएं। मांसाहारी सारे के सारे प्राणी हिंसक है, हिंस्र है, हिंस्र, वो अटैक करते हैं, अगर बड़ा प्राणी है तो वो मनुष्यों को भी खाया जाएगा। कोई भी शाकाहारी प्राणी मनुष्यों पर एकदम अटैक नहीं करते जब तक उनको डर नहीं लगता। मनुष्य भी शुद्ध शाकाहारी जो लोग निरंतर हैं वो जल्दी किसी पे अटैक नहीं करते, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। मांसाहारी पशु देखो, आप सर्कस में गए हो कभी तो देखते देखते होंगे, पिंजड़े में जो बाघ शेर है
आप जू में जाते होंगे तो देखते होंगे निरंतर मंडरा रहे होते हैं, निरंतर उनको बेचैनी रहती है, वो शांत नहीं रह सकते। मांसाहारी व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, उसको निरंतर चिड़चिड़ाहट बेचैनी होती ही रहती है, क्योंकि उसके पेट में मसान गड़ा हुआ है, उसने हत्या करके मुर्दे गाड़े हुए हैं। बूचड़ खानों में से, कतल खानों में से जहां बकरे मुर्गे गाय भैंस बैल काटे जाते हैं, उसमें से इतनी निगेटिव एनर्जी निकलती है, इतनी निगेटिव एनर्जी निकलती है, मांसाहारी व्यक्ति के शरीर से भी भयंकर निगेटिव एनर्जी निकलती है। इसलिए मांसाहारी लोगों में, लोगों के घर में सुख शांति होना बहुत कठिन हो जाता है। अगर हमें सुखी रहना है तो हमारे जो लक्षण है शुद्ध शाकाहारियों से मेल खाते हैं, तो हमें शुद्ध शाकाहारी ही रहना चाहिए। प्रकृति ने हमें शुद्ध शाकाहारी बनाया है, और जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग, उनके लिए वीडियो है, मानते नहीं ईश्वर को देखो ही मत। जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को भी मानना चाहिए उन्होंने। हम अगर दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारा बुरा होगा, हम अगर बकरे मुर्गों को काट पीट के खा रहे हैं तो हमारा भी वही हाल होने वाला है, एक दिन हम भी हॉस्पिटलों में तड़प तड़प के मरेंगे। सुखी नहीं रह सकते, कोई अपवाद हो भी सकता है, जन्म जन्मांतर के हिसाब होते हैं। इसलिए जिनको सुखी रहना है वो मांसाहार का 100% त्याग करें। कोई बोलता है अंडा शाकाहारी है, गाय का शाकाहारी है, गर्भ है वो मुर्गी का गर्भ है। नहीं बाबा जी, आजकल तो इंजेक्शन दे दे के अंडे पैदा करते हैं। अरे वो मुर्गे का वीर्य ही है भैया, मुर्गे का वीर्य ही इंजेक्ट किया जाता है, या अन्य कोई चीज इंजेक्ट कर रहा है तो गर्भ के रूप में ही मुर्गी के पेट में बन रहा है, वो दूध थोड़ी है मुर्गी का। मनुष्य मूल रूप में दूध पीने वाला बच्चा था, पहले ही पैदा जब होता है तो दूध ही पीता है, तो मनुष्य को दूध चल जाता है। लेकिन ये जो चीजें हैं अंडा वंडा, ये मांस ही है, वो गर्भ है, गर्भ है वो, और वो गर्भ मुर्गी से चुराया जाता है। जब मुर्गी का ध्यान नहीं होता है तब चुराया जाता है अंडों को उसके नीचे से। पोल्ट्री का वातावरण तो इतना क्रूर होता है कि जिसकी हद नहीं, सारी बदुआएं चिड़चिड़ाहट, वो मुर्गियों की रात दिन उनको जगाया जाता है, बड़े बड़े हेलोजन लगा के वो पोल्ट्रीज में, जिससे उसके शरीर में उष्णता बढ़ती है, और वो उष्णता बढ़ने के कारण जैसे महिलाओं के शरीर में उष्णता बढ़ने से उनको महामारी की तकलीफ होती है, उसी प्रकार से उष्णता बढ़ने के कारण वो मुर्गी के शरीर में भी भयानक गर्मी बढ़ने के कारण वो भी महामारी के रूप में धड़ाधड़ अंडे देते रहते हैं। रात दिन उसको तड़पा तड़पा के अंडे निकाल रहे हैं। अंडे खाने वालों की भी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उनका पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान लगना बहुत कठिन है, उनका ध्यान धारणा में ध्यान लगना बहुत कठिन है, उनके पारिवारिक संबंध मधुर रहना बहुत कठिन है। जिनके अंतकरण में दया नहीं है वहां धर्म निवास नहीं कर सकता। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। माने दया धर्म का मूल है, अगर जहां पे दया नहीं है तो वहां पे धर्म नहीं है, और जहां धर्म नहीं है वहां पे अधर्म है, और जहां अधर्म है वहां दुख है। अगर सुखी रहना है तो हमें धार्मिक बनना पड़ेगा, धर्म धारणा करनी होगी, और धर्म का मूल आधार ही दया है। पशु पक्षियों के प्रति दया, दुखियों के प्रति दया, तो कितनी क्रूरता है। कोई तड़प रहा अपने सामने, या बूचड़ खाने में तड़पा हुआ अपन ला लिए, जो मांसाहारी लोग है एक बार वो बकरे मुर्गे के कटने का वीडियो देखो भाई, अरे दे दे दे, कितनी वेदनाएं हैं, कितनी वेदनाएं हैं, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। काली माँ को बदनाम कर दिया है लोगों ने, काली माँ के सामने बोली देते हैं भैया बकरे मुर्गे चढ़ाते हैं, वहां कामाख्या में भैंसे काटे जाते हैं, कबूतर काटे जाते हैं, अरे क्या क्रूरता है। देवी कहां खा रही, किसने देखा, किसने देखा देवी को खाते हुए, खुद ही काट पीट के दूसरे दिन खुद ही चढ़ कर जाते हैं, जिस दिन बलि दिया उस दिन धड़ खा लेते हैं, दूसरे दिन मुंडी बढ़ा के खा लेते हैं, मैंने सुना। अरे 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 अरे, क्या क्रूरता है, क्या क्रूरता है, भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। फिर हमारे जैसे लोगों के पास में आते हैं, बाबा जी बड़ी तकलीफ में है कुछ करो, बाबा जी बड़ी तकलीफ में है कुछ करो, अब क्या करेंगे हम। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।
सारी भयानक, जिसका घर वो बुच्चर खाने के बाजू में है, कतल वो मटन के शॉप के बाजू में है, उसके घर में भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इतनी भयानक निगेटिव एनर्जी निकलती है उसमें। जहां निरंतर पशुओं की पक्षियों की चीख उत्पन्न होती है, निरंतर वो डरे 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 रहते हैं, सब कुछ समझता है उनको भी, सब कुछ समझता है उनको भी, सबकी जीने की इच्छा है, जियो और जीने देना चाहिए, जीना चाहिए और आनंद से जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। और जो खुद के सुख के लिए, खुद के तुच्छ स्वार्थ के लिए कि मेरा शरीर बन जाए, मेरे बल्ले बन जाए, अरे 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 अरे, शुद्ध शाकाहारी सप्लीमेंट खाओ भैया, बल्ले बनाने की भाभी हाउस है, अश्वगंधा शतावरी सफेद मुसली कौज बीज पाउडर वसंत कुसुमाकर ऐसे अच्छे अच्छे औषधियां है वो खाओ, जिससे अच्छा शरीर बने। मांस खाने वाले ऐसे कौन से, वो बहुत बड़े पहलवान हो चले हैं, और पाप का भंडार भरेगा एक फायदे के लिए, बाकी का इतना सारा पाप कर लोगे और कहां भुगतोगे। पुरानी एक कहावत है, पहलवानों की मौत बड़ी तकलीफदायी होती है, पहलवानी की पहलवानों का बुढ़ापा बहुत तकलीफदायी रहता है, उसकी मौत बड़ी तकलीफदायी होती है, ऐसा पुराने लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहलवान खुद का शरीर बनाने के लिए न जाने कितने जानवरों को कर जाते हैं, तो उनकी वेदनाएं जाएंगी कहां पे, उनकी बंधुआएं जाएंगी कहां पे, डिस्ट्रॉय नहीं होती वो, भुगतने से ही डिस्ट्रॉय होगी, भुगतने पर ही पापों से निवृत्ति है। काली मां को बदनाम कर दिया, खुद बकरे को मुर्गे काट जाए काटेंगे और खुद ही चट कर जाएंगे जी महाराज जी, फिर काली मां क्या खाती है, 56 भोग लगा हुआ, यहां से एक लड्डू गायब नहीं होने वाला, वहां से खुद ही चटकर जाने वाले है। दूसरे दिन जो शाकाहारी लोग है वो 56 भोग लगा रहे हैं, जो मांस खाने वाले दारू पीने वाले हैं दारू की धार दे रहे हैं, मांस खा रहे हैं और भुगतेंगे बाद में। नहीं नहीं, हम तो क्षत्रिय है कि हमको तो अधिकार है काट पीट करने, कहा लिखा हुआ है शास्त्रों में, कहा है कि क्षत्रियों को काटने पीटने का अधिकार है, पशु पक्षियों को। जरा हम भी देखे शास्त्रों में, अन्यायी अत्याचारी को काटना यह पुण्यप्रद है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, राष्ट्र का शत्रु है तो उसको मार डालना यह पुण्य है। सेना इतने सारे राष्ट्र के शत्रुओं को भून डालती है, मार डालती है, बम गिरा के, उनको कोई पापी नहीं बोलता, पुण्यवान ही है वो, राष्ट्र के शत्रुओं का, धर्म के शत्रुओं का नाश कर रहे हैं। दुष्टों का एनकाउंटर कर देती है पुलिस, तो पुलिस को पाप लगता है, नहीं लगता, क्योंकि उसने दुष्टों को मारा है। मारना अपने आप में पाप पुण्य नहीं है, उसके पीछे का उद्देश्य पाप पुण्य क्रिएट करता है। निकृष्ट स्वार्थ के लिए, खाने के लिए पशु पक्षियों को मार रहे हो तो पाप ही पाप भुगतना पड़ेगा, जितनी भी पूजा पाठ कर लो कोई फायदा नहीं, काली आ जाएगी, मांस खाने के लिए काली आने वाली है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी, जिसके लिए पृथ्वी का पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर है, उसको बकरे पुर के खाएगी वो, अरे वो कुछ नहीं खाती। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम यज्ञ तप की भोक्त्री है काली कामिका, बदनाम करके रख दिया काली मां को लोगों ने, बदनाम करके रख दिया। दारू की बोतल लेके जाते हैं, एक ढक्कन देवी के नाम से जमीन पर छोड़ दिया, बाकी कुछ चट, अरे 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 अरे, बदनाम कर रहे हो धर्म को। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर धर्म का आप नाश करते हो, धर्म को आप बदनाम करते हो, तो धर्म आपका नाश कर देगा। इसीलिए हिंदुओं का इतना नुकसान हो गया है, आधा नहीं बचा है भारतीय कुरीतियों के कारण, आधा नहीं बचा, हमारी हिंदू संस्कृति कोई नहीं मिटा सकता। अरे मिट गए आधे, गाफिल मत रहो, मिट गए आधे इन कुकर्मों के कारण। देवताओं को बदनाम कर दिया, चंडी माई को बदनाम कर दिया हिंदुओं ने, काली मां को बदनाम कर दिया, काल भैरव भगवान को बदनाम कर दिया दारू चढ़ा चढ़ा के, एक ढक्कन दारू काल भैरव को, बाकी खुद चट, बोले काल भैरव ने पी, कैसे काल भैरव का अपमान करके कोई सुखी रह सकता है, कैसे काली मां का दुर्गा माई का चंडी माई का अपमान करके कोई कैसे सुखी रह सकता है। अरे 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 अरे, कुछ तो विवेक, कुछ तो विवेक, कुछ तो दया, कुछ तो दया पशु पक्षियों के प्रति। कितनी नेगेटिव एनर्जी संसार में क्रिएट हो रही है मांसाहारियों के कारण, और खुद भी दुखी है, खुद भी दुखी है। नहीं, हमारी तो कुलदेवी काली है, मेरे घर में भी प्रथा थी बलि प्रथा,
ये शरीर तथाकथित क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, ये शरीर मेरे घर में भी बलि की प्रथा थी काली माँ के सामने, लेकिन मेरी माँ आ गई शादी होके जैसे ही, तो उसने सारी प्रथाएं बंद कर दी, वो भी चंडी की परम आराधक थी, उसने सारी प्रथाएं बंद कर दी। बड़े बुजुर्ग बोलने लग गए, अरे बच्चे नहीं होंगे तुझे, अरे तेरी संपत्ति का नाश हो जाएगा, सारी परिस्थिति खराब हो जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी, बच्चे मर जाएंगे, बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, तू बीमार गिर जाएगी, विधवा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकलाना हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ बड़ी दयालु, वो बोली मेरी काली ऐसा नहीं, इतनी क्रूर मेरी काली नहीं है, वो राक्षसों का खून पीती है, राक्षसों का मांस खाती है काली माँ, दुष्टों का मांस खाती है, दुष्टों का खून पीती है काली माँ, वो निरीह बकरे मुर्गा नहीं खाएगी, भैंसों को नहीं खाएगी काली माँ। लोग बोले फिर देवी के चरणों के लिए भैंसा कैसे दिखता है कटा हुआ, अरे वो भैंसासुर नाम का राक्षस था, उसका एक रूप था, इसलिए भैंसा कटा हुआ दिखता है, वो भैंसा राक्षस था। अब सादे सुधे भैंसों को मार रहे हो भैंसासुर के नाम से, अरे 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 क्या अज्ञानता है। माँ को ये सब तर्क दिए, माँ ने माना नहीं, उसने सारी बलि प्रथा वगैरह सब बंद कर दी, नवरात्रि के बढ़िया शुद्ध शाकाहारी पूजा अर्पण होने लग गई जगदम्बा को। फिर हम तीन तीन पैदा हो गए, चार चार पैदा हो गए हम लोग, दो बड़े भैया एक बड़ी बहन, अरे चौथा मैं। काली माँ नाराज होती थी तो हम पैदा ही नहीं होते थे। पिताजी की प्रॉपर्टियां थी, दादाजी की वो अच्छे भाव में बिक गई, पैसे वाले बन गए घर। अगर देवी प्रकुप्त तो हो जाती थी, प्रकोप होता था काली माँ का, तो दरिद्रता हो जाती थी, सारा घर शुद्ध शाकाहारी हो गया मेरी माँ के आने से। लोगों ने बोला था तू विधवा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढिकलाना, मांस खाने वाले के यहाँ कोई विधवा नहीं होता जिनके यहाँ बलि चढ़ती है उनके यहाँ कोई विधवा नहीं है क्या? और मेरी माँ सुहागन गई 6 साल पहले, मेरे पिता की है अभी भी, माँ सुहागन गई है, अखंड सौभाग्यवती लगता है उसके नाम के सामने। आओ सारे व्यवधान दे दिए चंडी माई ने, काली माई कोई नाराज नहीं हुई, बकरे मुर्गे काटना बंद कर दिया तो। अरे दया करिए पशु पक्षियों पे, धर्म के नाम पर अधर्म करोगे तो दुखी रहोगे, दुखी रहोगे। सावधान होजिए, काली माँ का बेटा सावधान कर रहा है। ओम काली।